वेलकम बैक टू माय चैनल आवेगुरुदेव में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज है हमारा बनारस में डे टू और आज हम जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर और भी मार्केट में एज एक्सप्लोर करेंगे काल भैरव भी हमें जाना है क्योंकि कल हमें बहुत लेट हो गया था। जैसा कि आपने देखा योगा लाइन में हमें बहुत लंबा लगना पड़ा था, 4-5 घंटे हम लाइन में लगे थे तो उसकी वजह से बहुत थक भी गए थे। तो कल हमने सिर्फ घाट पे ही पूरा टाइम स्पेंड किया और आज हम मार्केट जाएंगे, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और संकट मोचन जाना है और काल भैरव जाना है। अपनी गाइड जो हमें यहाँ पे होटल वाले ने प्रोवाइड किया है उससे पूछेंगे और उसी के गाइडेंस पे हम जाएंगे। तो आप ब्लॉग में बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना भी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और ये है आज का मेरा लुक, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमने चाय पी अभी, यहाँ बहुत टेस्टी चाय और अब हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर। तो बुक कर लिया है? हाँ। क्या आगे भी हम लोगों को अली साड़ी, बनारसी साड़ी कैसे बनती है? चलो भैया दिखा दो। आज चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि बनारसी साड़ी कैसे बनती है। मैं फैक्ट्री में लेके आ गई, ये लेके जा रहे थे संकट मुक्त काल भैरव और हम आ गए कहाँ? नहीं शॉपिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि साड़ियाँ तो नहीं जाना मैं नहीं नहीं देखो मेरी मम्मी को लालच आ गया आते ही। अब मेरी मामी को पक्का आएगा और वो पक्का लेंगे। आज अब देखा जाए। अच्छा यहीं पे बनता भी है, ये सब बना है क्या? बन रहा है एसी है चलेगी। अच्छा यहीं पे भी आ रहे हैं, चलाएंगे हर जगह थोड़ी सब मशीन। अच्छा चला के दिखाएंगे। अच्छा इधर कारीगरी मतलब पहले डिजाइन भी होता है। नहीं बोले बोला इतना लड़का ही जरा दे ये बोला इनको जब इनके जब ये काम ना पे बड़े लड़के नहीं सीख रहे हैं। हम लोग जैसे कि लेबर की तरह काम करके इतना आगे बढ़े, दुकान की सब दुकान हमारी ही है पर हमारे बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके आप वो लोग जो है ये सब सीखे नहीं है। आगे आने वाला फ्यूचर जो है लाखों में था, अभी हजार में भी नहीं बचा है। और जो हम लोग उम्र के लोग हैं वही कर रहे हैं। अब आजकल के बच्चे ये सब नहीं करना पसंद, बहुत मतलब मेहनत का काम। ये जो ना प्योर शिफॉन है ये साड़ी जो है 10 रोज में बनती है, ये 10,000 की साड़ी है ये वाली। अच्छा जो आप बना रहे हैं? जो बना रहे हैं ये प्योर शिफॉन है, आप उसके लिए मत घबराइए, वो होगी ज्यादा ज्यादा 3500-4000 की होगी। अच्छा ये जो तुम हाथ में ली वो 3500-4000 की साड़ी? ये देखिए 10,000 की साड़ी बन रही है यहाँ पे। इसकी जो है ना साड़ी जो प्योर रखी हुई है फिनिश करके वो ला दीजिएगा। जब आप लोग हाथ में लेंगे ना सभी लोग जो है कपड़े की पसंद करने वाली हैं। आप लोग हाथ में लेंगे ना आप सोचेंगे ये साड़ी हम लेते हैं, सॉफ्ट कपड़े होंगे उसके उसके इतनी डिमांड रहती है। इससे कपड़ा बनता है सबसे पहले ना, इसका नक्शा बनता है, जैसे मकान बनता है नक्शा बनता है, इसका भी ब्लॉक बनता है। अच्छा ये जो ब्लॉक्स है देखो। हाँ वही कह रहा है क्योंकि यहाँ तो उठाया सब भाग गया, अब इसके अंदर ये चला गया, अब ये कपड़ा बन गया। यही तो धागे से कपड़े को मोटा किया जा रहा है, जैसे देखो यहाँ से कपड़े का वो चीज बन रहा है। ये आगे बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे बार बार देखो डाल रहे हैं तो वो ये लालच में आ गई लड़कियाँ। और साड़ी तुरंत लग रहा है फ्री में मिल रहा है, उठाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है टिशू की साड़ी, टिशू की दम कपड़ा, लेकिन मुझे इससे कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। तुम ये ले रही हो क्या? तब क्या लेके घूम रही हो? अच्छा लगा छोड़ने में एक साड़ी और, मतलब लोगी तुम लास्ट तक बन बन गया। अच्छा लगा। हाँ। ये देखिए तुरंत लालच में आ गई लड़की, खुद के लिए ले जल्दी से, सोचो मैं शादी हो जाएगा मैं 2-4 साड़ी और ले लूँ। सिर्फ इसलिए ये साड़ियाँ ले रही है ताकि इसको देख के इसके घर वाले बोले अरे शादी कराओ, सब कुछ हो गया दीदी के घर वाले सब कुछ
फाइनल है उस लड़का ने। हाँ मेरे ज्वेलर वाले दीदी के घर वालों को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो देखे कम से कम। हाँ नहीं, घर वाले ढूंढ रहे, बस उनको उनकी पसंद का नहीं मिल रहा, मेरे बराबर का नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ ज्यादा मुझे बढ़ा दिया इसलिए। मिल जाएगा मिल जाएगा, तुम साड़ियाँ इकट्ठा करो, ये देखो ना कोई और साड़ी जो थोड़ा। अब चलो आओ तुम उसको बिल करने दो। ये मुझे लग रहा है घर है क्या, ऊपर तो इनका बन रहा है। श्री काल भैरव मंदिर हम लोग आ चुके हैं। अरे भाई देखिए, यहाँ काल भैरव की लाइन लग चुके हैं दर्शन करने के लिए, लाइन में लगे और लाइन तो कुछ समझ नहीं आ रही है कहाँ तक गई है। काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए। उस दिन मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए लाइन दो बनाई गई थी, एक मंदिर के फ्रंट साइड से जा रही थी और एक बैक साइड से। हम बैक साइड वाली में लगे हुए थे, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए। भीड़ ज्यादा होने के बाद भी हमने काफी अच्छे से काल भैरव जी का दर्शन किया, और जब हम लाइन में लगे हुए थे तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि बनारस की बहुत सुंदर सुंदर गलियां हमें देखने को मिली और हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा दर्शन हो गया है काल भैरव का बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत भीड़ थी यहाँ भी, सिर्फ संडे की वजह से मुझे लग रहा भीड़ ज़्यादा हो रही है। और हम आए थे राम भंडार, लोगों से पता करके कि यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत फेमस है, लेकिन लेट हो गया, सिर्फ 12 बजे तक ही मिलता है। तो अगर आप आइए, बस 15 मिनट लेट है, 12:25 हो रहे हैं, हम तो 15 पे आ गए थे, लेकिन अगर आप आइए तो आप 12 के पहले यहाँ आके और आज संडे की वजह से और जल्दी खत्म हो गया, जरूर ट्राई करिएगा। अब हम कहीं और जा रहे हैं, यहीं से पता कर लेंगे कि इनके नेक्स्ट शो ही है। हाँ तो वहाँ पे खाते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कचौड़ी जलेबी, यही मिल रहा है वहाँ पे कचौड़ी जलेबी, बस कचौड़ी छोड़ो जलेबी। अच्छा तो अब हम खाएंगे बनवारी कचौड़ी भंडार, शुद्ध घी द्वारा निर्मित है भाई। नीचे कौन दिखा है ट्राई कर सकते हैं पे दर्शक आके। चलिए बताइए खाने में जो मग्न है एकदम इधर। बहुत डिफरेंट सब्जी, आज तक मैं इस चीज की सब्जी नहीं खाई है, बड़ी देख। पहले एक प्लेट कीजिए, हम टेस्ट करते हैं। सिम में बताओ क्या बोल रही थी, अगर आपके साथ भी हमारे जैसा कुछ हो जाए कि वो बंद रहे, टाइम ना रहे, तो यहाँ आके आप खा सकते हैं। पूरी तारी तार स्पाइडर गली बोलते हैं, स्पाइडर गली। हम अभी वो एक लड़का व्लॉग बनाते हुए जा रहा था, तब मैं देख ली, वो भी बना रहा था क्या, तुम उससे मिलाई क्यों नहीं? नहीं वो शॉर्ट्स बना रहा था, बनाते हुए जा रहा तो बोला क्या कि स्पाइडर, बोला स्पाइडर। अब मुझे पता नहीं भाई उस लड़के व्लॉगर के चक्कर में मैं भी बोल दे रही थी स्पाइडर गली। हाँ लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हम लोग स्पाइडर में ही फंस गए, तारों के जाल में। अरे आगे तो देखो, वही वो सही बोल रहा था, गलत नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा था, वापस गया है बनाते हुए। ये तार अगर खराब हो जाते होंगे तो ये बनता कैसे होगा, कि कौन सा तार खराब है, देख के चलना, देख के ज्यादा हाइट वाले नाम से देख के चलना। बस ऐसे ही मुझे भी लगाना, काफी खूबसूरत लगाई हो। बिंदी रुको, तुम्हारा हट गया, आइए बिंदी। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, जो गर्मी हो रही थी ना उसमें नहीं घूम पाते, और रिक्शे पे काफी आनंद महसूस हो रहा है मुझे, बहुत फ्रेश एयर आता है रात में, रिक्शे पे बैठे हैं हम, नहीं बनारस आए और रिक्शे पे ना बैठे तो क्या बनारस घूमने का। और मैं गाइस को एक बात बताना चाहती हूँ कि फाइनली पब्लिक को भदौलिया मिल गया, जहाँ हो जाके पान खा पाए, भदौलिया जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ से जाना है संकट मोचन मंदिर, और यहाँ पे रिक्शा ही सिर्फ मिलता है, ऑटो नहीं, वहाँ से जाके हमें टुक टुक या फिर ऑटो टोटो या फिर ऑटो मिलेगा, यहाँ के लैंग्वेज में टोटो। हाँ
तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते, यहाँ कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम लोग पहुंच गए हैं संकट मोचन मंदिर, नंबर ले लो भाई, ले लो भाई, रुक जमा। तो आप कहाँ पहुंच चुकी हैं? वाओ, संकट मोचन मंदिर ये सामने है। ये देखिए पूरे प्रसाद यहाँ से आप ले सकते हैं, फूल मालाएं सब सब कुछ मिलेगा। नहीं ले लीजिए, और लेकिन बारिश होने लगी है तो अब देखिए क्या करते हैं। अगर ज्यादा तेज हो गई तो व्लॉग कैसे बनेगा, सबसे बड़ा टेंशन ये है। अब 12 बजे से मंदिर बंद रहता है, 3 बजे खुलता है। तो अभी हम लोग 1 घंटे यहीं पे रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि अभी 2 बज रहा है। लेट्स गो, चलो डील हो जाए पैसों की पहले। नहीं नंबर ले रहे हैं, पैसे दे दिए। यहाँ ऑटो रिक्शे और बहुत कॉस्टली है, दिक्कत भी है, जल्दी मिल नहीं रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और भाग जा रहे हैं छोड़ के। इतना मत फेंकिए, इसलिए मैंने आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए लोग मुझसे डॉलर में वसूलना चाहते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डॉलर में कमा रही हूं। अभी तक इनकम नहीं आई, लेकिन इनसे आई नहीं है, डॉलर उसी डॉलर को निकाल रहे हैं क्या, जो अभी इनकम नहीं बनी है। चाह रहे हैं लोग मुझसे वसूलना, दी नहीं। तो हर जगह की समस्या, फ़ोन और सामान आपको सबमिट करना पड़ेगा तभी आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। वो है गेट मेरे पीछे, वहीं से जाना है। तो चलिए सामान को जमा करते हैं तब जाएंगे। और बारिश भी हो रही है, जमा करना ही ठीक है। नहीं अच्छी बात है कि सबमिट हो जा रहा है, नहीं तो सब लोग का ध्यान फोन में ही रहता है, भगवान के दर्शन में कम रहता है। और बहुत भीड़ करते हैं फिर सब लोग, तो इसलिए हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो बहुत, वरना वही सीमी स्नैप बनाती रहती, सीमी स्नैप बनाती रहती, सीमी ब्लॉग बनाती रहती। कौन दिखता है कैमरे के पीछे बताइए। तो ये है मेरे बनारस का डे 2 का व्लॉग, और इस व्लॉग को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक साथ काफ़ी लंबा हो जाता, तो सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।